हे देवो स्कल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉलेट। और पिछली बार हम इस टीम रॉकेट के बेस में पहुंचे थे और हम आगे जाने वाले हैं इस लिफ्ट में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। मुझे लगता है कि ये दोनों बैटल करने वाले हैं, तो देखते हैं। ये खुल के नहीं रहा है, मुझे इनसे बैटल करनी पड़ेगी लग रहा है। ठीक है, और गाइस मेरे पोकेमॉन की हालत ख़राब है यार, मैंने देखा ही नहीं। मुझे पोकेमॉन सेंटर जाके आना पड़ेगा यार। देखते हैं मैं हरा पाता हूँ या नहीं। डिफीट तो मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि इसके पोकेमॉन की लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई नहीं है कुछ। सॉरी गाइस, लेट्स सी। इसे तो मैं डिफीट कर दूंगा। और बाकी के इसके और भी पोकेमॉन है यार, तीन पोकेमॉन है इसके पास। एक को तो कर दिया मैंने, अब दो बचे हैं। लगता तो नहीं है मैं। ठीक है, पोशन यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं गया। गाइस मैं अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर, और इस बार शायद गाइस इस बार मैं डिफीट कर दूंगा इन दोनों को ही, क्योंकि मैंने पोकेमॉन को हील कर लिया है। ऐसे लेवल अप मुझे करना पड़ेगा अपने पोकेमॉन को, काफ़ी कम लेवल के हैं मेरे पोकेमॉन। और सबसे ज़्यादा हाई लेवल का ये ड्रैगन, सॉरी लेजेंडरी पोकेमॉन मिला था मुझे, क्राइड क्राइडन क्राइडोन कोर क्रोडी, क्या नाम है यार, क्राइडोन कोरा। छोड़ो यार, नाम से क्या लिया। गाइस आप लोगों को अगर पता हो तो जो एस कैचम है ना, उसने मतलब लियोन को हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। मतलब लास्ट एपिसोड तो आ ही चुका है 31, तो मुझे लगता है इसमें हरा दिया होगा अब तक। तो मैंने देखा नहीं है गाइस अभी तक, तो मतलब देखूंगा बाद में जाके, लेकिन मुझे लगता है कि डिफीट कर दिया है एस कैचम ने। एक मिनट बस, मेरी तो हालत ख़राब है इसमें, तो मुझे पोकेमॉन चेंज करना चाहिए। हाँ ये ठीक है, और मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को थोड़ा हील कर दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वही आगे संभालने वाला है। तो देखते हैं, पोशन है मेरे पास। और नहीं मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। मैं स्पार्क यूज़ करता हूँ उस पर, और सस्मिक टॉस इसका। चलो कम से कम पैरालाइज तो हो गया प्राइम एफ। मुझे पोशन यूज़ करना पड़ेगा अपने लेजेंडरी पोकेमॉन पे। एक मिनट, थोड़ा सा और बस हील कर दो तो अच्छा रहेगा। ये ठीक नहीं हो रहा गाइस, मेरे पोकेमॉन काफ़ी कम लेवल के हैं। मुझे अपने पोकेमॉन को लेवल अप करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के पोकेमॉन आते हैं। मतलब सच में हमारे अपोनेंट के पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के होते हैं, तो मुझे भी करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है मेरे से, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के पोकेमॉन आ रहे हैं इसमें, इतने नहीं आने चाहिए थे। क्वैक्जी हमारा स्टार्टअप पोकेमॉन है और उसकी लेवल तो मतलब सबसे कम है। मतलब ठीक है, अभी क्या करें। क्वैक्जी हमारा 50 लेवल का हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसे बाद में लेवल अप करेंगे। और चलते हैं इस पे, इसे भी डिफीट कर देते हैं जल्दी से। इसके साथ इसके पास भी वही सब पोकेमॉन लग रहे हैं। ब्रेक ब्रेक यूज़ करूँ मैं, ठीक रहेगा। ओ गाइस क्या बात है, ब्रेक ब्रेक ने तो मतलब इसकी हालत ख़राब कर दी एक ही बार में, एक ही अटैक में मतलब ख़त्म है। फिर से इस पर यूज़ कर देखते हैं। ओह सही है, फिर ब्रेक ब्रेक गाइस काफ़ी कमाल का है इसके, एक मतलब वन हिट में ही सब सारे पोकेमॉन को डिफीट कर रहा है। इसे भी कर, यस ये हुई ना बात। चलो अभी ये शायद खुल जाना चाहिए गेट। हाँ, और ये लगता है इनका बॉस है यार, मुझे सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी पोकेमॉन की हालत थोड़ी ख़राब है, और मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को हील कर लूँ थोड़ा अच्छा रहेगा। एक मिनट, ठीक है अब चलते हैं इससे बैटल करते हैं। शायद से हमें बैटल करे, शायद पता नहीं, देखते हैं। देखते हैं ये क्या करना चाहता है। ओ गाइस, ओ ये जिम लीडर है, जिम लीडर जैसे लग रहा है मुझे तो। ओ गाइस 30 लेवल का पोकेमॉन, मेरी हालत ख़राब होने वाली है। ओ नो यार, ब्रेक ब्रेक तो यूज ही नहीं हो रहा। मैं मिलता हूँ थोड़ी। सो गाइस अब मैं
मतलब छठी बार ट्राई कर रहा हूँ इसको डिफीट करने की, लेकिन क्या करूँ मैं, मतलब बार बार मतलब थोड़ा सा रह जाता है बस हर बार। इस बार गाइस मैं इसे डिफीट करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और मैंने क्यों गलती कर रखा है यार, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। गाइस जी को निकालना पड़ेगा यहाँ पर। और गाइस मैंने अपने पुकन को कुछ ज़्यादा ही लेवल पर लिया है इस बार, प्लीज़ अगर नहीं हुआ ना तो मैं सच में गेम डिलीट कर दूँगा। ओह यस, बस एक और मूव। यस बहुत अच्छे, थैंक गॉड। अभी इसका आ रहा है मिराइडोन जो भी है इसका नाम, तो इसके ख़िलाफ़ मैं निकालूंगा अपना लेजेंडरी पोकेमॉन। तो या इससे शायद मैं इसे डिफीट कर पाऊँ आराम से, क्योंकि अब तक मुझे मतलब इतनी बार मैंने ट्राई किया, मुझे पता है कि कौन सा पोकेमॉन के सामने मुझे कौन सा पोकेमॉन निकालना है, इसके कौन से पोकेमॉन के सामने मुझे मतलब अपना कौन सा पोकेमॉन निकालना है। मतलब छठी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, सिक्स टाइम। ओ थंडर, ये प्रॉब्लम है एक। थैंक गॉड गाइस, देखा इस बार थोड़ा इजी पड़ा मुझे, वरना हर बार मेरे सारे पोकेमॉन डिफीट हो जाते हैं। अब इसका आ रहा है ज़रूरा है ना, यही नाम है ना इसका, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर। जेड पंच यूज़ करते हैं, या बहुत बढ़िया मूव है। ओ सुपर इफेक्टिव, जेड बॉल से काम हो जाएगा हमारा। यस गाइस थैंक गॉड, फाइनली मैंने इसे डिफीट कर पाया, वरना मतलब हो ही नहीं रहा था कब से। ओ ये क्या है इसमें, ओ कुछ है इसमें, मतलब देखना पड़ेगा मुझे क्या है ये चीज़। ठीक है, ये कुछ भी मतलब लग तो रहा है कुछ है, मुझे नहीं पता कि क्या है, देखते हैं आगे जाके। अब तो गाइस मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ है, तो चलना पड़ेगा हमें वापस। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और ठीक है हमें से केव में जाना पड़ेगा हमें ऊपर। यहाँ पर एक केव थी, ये रही नहीं केव नहीं, मतलब जो भी ये चीज़ है मतलब यहाँ पर जाना है हमें, इसका नाम ही नहीं कोई। ये थोड़ा मुश्किल है, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर है क्या वैसे। ठीक है यहाँ पर जाना है हमें, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, फालतू में आया मैं। अब आगे जाना पड़ेगा हमें, ओ एक मिनट, यहाँ पर और कुछ नहीं है क्या। ओ नहीं यार, मेरे साथ ही होता है ऐसे। यहाँ पर एक जिम है यार, तो मैं जिम मतलब अगर मैं कर लूँ तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो हम जिम में आ चुके हैं, और ये कोई वाटर टाइप ट्रेनर लग रही है, मतलब ट्रेनर है जो भी है वाटर टाइप। तो गाइस हम इसे अगले एपिसोड में मतलब करने वाले हैं इससे बैटल। और यहाँ पर ओ नो, मेरे साथ ही होता रहता है। तो गाइस इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। तो गाइस टाटा बाय बाय।